कुछ ही दिन पहले पूरे देश में एक उत्साह का माहौल बनाने की कोशिश की थी अरुण जेटली जी ने, जहां पे उन्होंने 1.5 रुपया पेट्रोल और डीजल पे कटौती कर देश को यह आश्वासन देने की कोशिश की थी कि अब उन्होंने फ्यूल प्राइसेस पे कंट्रोल पाने के लिए, नियंत्रण में लाने के लिए पूरी कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरी जद्दोजहद से इस पे कार्रवाई करेंगे। और उसी के बाद लगातार 2 दिन जो पेट्रोल और डीजल में बढ़त हो रही है, जहाँ पे पेट्रोल को 53 पैसे से बढ़ा दिया गया है दिल्ली में और डीजल को 21 पैसे से, बहुत स्पष्ट हो गया है कि अपनी पीठ थपथपाने के लिए आने वाले राज्य सरकारों के चुनाव के लिए जो इन्होंने ये एक झूठा कदम और झूठा आश्वासन देश की जनता को दिया था, वो भी एक जुमला साबित हुआ है। साथ ही साथ हाल ही में गुजरात में हो रही घटना, जहां पर 40,000 से भी ज़्यादा हमारे यूपी, बिहार और राजस्थान के भाई बहनों को बर्बरता से पीटकर, उनकी बातों को नज़रअंदाज कर उनको वहाँ से भगाया जा रहा है और उसका एक षड्यंत्र जो रचा जा रहा है वो देश के सामने उजागर आए दिन हो रहा है। जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार को अपना घर जैसा बताते हैं, उसी धरती के लिए काम करने के बजाय अब वहाँ के लोगों को जो प्रवासी हैं दूसरे राज्यों में, उनको दखेल कर उखाड़ कर जो फेंकने का काम किया जा रहा है, वो षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो देश के सामने है। 121 करोड़ की देश की जनता में से अमित शाह जी 100 करोड़ को घुसपैठिए बता देते हैं, ये तो आलम है इस सरकार का। खबर आई बिहार से, जहां पर पहले तो वो शेल्टर होम में जिस तरीके से बर्बरता, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट की घटनाएं सामने आई और किस तरीके से उस आरोपी को बचाने की कोशिश की गई, आज वहीं में और वहीं से फिर से खबर आई है किस तरीके से 70 लड़कियों पे एक गवर्नमेंट हॉस्टल में उनके साथ जो घटना होती है, शर्मसार करने वाली घटना होती है, वहाँ पे लड़के घुसकर, क्योंकि वो लोग उनको जो सेक्सुअल असॉल्ट करना चाहते थे वो उसको डिफेंड करती हैं और झगड़ती हैं, तो वही लड़के वापस लौटकर 35 लड़कियों को इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और आने वाले कुछ दिनों में नवरात्र आएंगे, नवरात्र के 9 दिन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिन का व्रत भी रखते हैं। मैं उनसे बस एक चीज़ कहूँगी, इन 9 दिनों में नरेंद्र मोदी जी अपने ने जो देश की महिलाओं से वादा किया था, वो 9 वादों को ही याद कर लें।